सर्कल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कल के रिगार्डिंग रेडियस एंड सेंटर एंड इंटरसेप्ट्स भी। अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशंस गिवन है तो हम कैसे उसमें से सेंटर एंड रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भी कैसे हम इक्वेशंस निकालेंगे। पहले इक्वेशंस गिवन थी, सेंटर और रेडियस निकालते थे, अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और गिवन क्या होगा हमारे पास, सेंटर हो सकता है उसके साथ रेडियस, या सेंटर के साथ पास पॉइंट, या ओनली पास पॉइंट। बस ये मेन ये तीन कंडीशंस हैं जो आपको एग्जाम में आती हैं और जिनको यूज करके आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये भी बता देती हूं, ठीक है। दैट इज अ सर्कल एच कॉमा के विच इज अवर सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट दैट इज कॉल्ड आर रेडियस। यहां पे जो भी पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड पास पॉइंट विच इज अ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, विच इज अ एक्स कॉमा वाई। तो ये पास पॉइंट जरूर नहीं यहां पे होगा, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, कहीं भी पी हो सकता है ये पास पॉइंट। तो जहां पे भी ये पास पॉइंट होगा, अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करूंगी उस पास पॉइंट से, ये ऑलवेज मुझे क्या देगा, रेडियस देगा। तो एक कंसेप्ट तो अभी आपके माइंड में आ गया होगा, अभी एक मिनट में बताती हूं। देखो अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं, मेरे पास क्या इक्वेशन होती है, प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये होती है एच के सेंटर, आर इज अ रेडियस। अगर मेरे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है, बी सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, तो मैंने एच और के की वैल्यू फिल की, आर की वैल्यू फिल की, तो मेरा आंसर आ गया। हो सकता है इसको उन्होंने खोल के लिखा हो, तो हम इसे थोड़ी सी स्क्वायर रूट खोल लेंगे, स्क्वायर रूट बोल रही हूँ सॉरी, स्क्वायर खोल लेंगे और हमारी जर्नल क्वेश्चन में आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट कंडीशन में तो कुछ भी करने वाला नहीं है, बस वैल्यू फिल की एंड वी गेट द आंसर। अब सेकंड में बात आती है, सेकंड में सेंटर गिवन है बट साथ में क्या गिवन है, पास पॉइंट गिवन है। सेंटर है एच के की वैल्यू है बट हमें क्या चाहिए था, आर। तो अभी वही कंसेप्ट तो क्लियर किया है भी, कहीं पे भी एक पास पॉइंट आ जाए और एक सेंटर आ जाए, आर क्या आ रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस। दैट मीन्स आप सीपी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या आएगा, रेडियस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, अगर मैं इसमें बात करूं एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर, ये हो गया। वाई में वाई का कोऑर्डिनेट माइनस होगा, एक्स में एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस होगा, स्क्वेयर रूट प्लस आंसर, ये हो गया। तो अगर सेंटर और पास पॉइंट गिवन है तो सिर्फ एक ये स्टेप करके मैं पहले कंडीशन पे पहुंच गई। अब अगर मैं पहली कंडीशन पे पहुंच गई तो इसमें वैल्यू फिल करूंगी एंड आई गेट द आंसर। क्या कोई मुश्किल है इसमें, आई थिंक नहीं, एग्जाम्पल करेंगे समझ में आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे जनरलाइज बेस में अगर माइंड में बैठ जाता है ना तो वो कभी नहीं भूलता। अब थर्ड कंडीशन पास पॉइंट, अब आपने देखा होगा जर्नल इक्वेशन अगर बात करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स, ठीक है, ये आपके पास जर्नल इक्वेशन है। अगर पास पॉइंट है दैट मींस वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है, देखो पास पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू होती है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर एक्स इस इक्वेशन में देख लो चाहे इस इक्वेशन में देख लो, यहां पे भी वेरिएबल कितने हैं, एच के और आर, तीन वेरिएबल हो गए। यहां पे भी जी एफ और सी, यानी कि तीन वेरिएबल ही आएंगे। तो अगर हमें पास पॉइंट ओनली पास पॉइंट गिवन है तो हमें तीन वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, दैट मींस हमारे पास नॉर्मली तीन ही पास पॉइंट गिवन होंगे। अगर हमारे पास थ्री पास पॉइंट गिवन है, थ्री पास पॉइंट गिवन है, तो हम इसमें से वैल्यू फिल कर लेंगे तीन की, एक्स वाई के स्पेस पे पहले फर्स्ट पास पॉइंट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, उसमें से जी तीन इक्वेशंस बन जाएंगी, उसमें जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर।
ठीक है, इसे करने के टू मेथड हैं पास पॉइंट वाले. और सेकंड मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड तो हो गया भी आप पास कर लो पॉइंट, पास पॉइंट्स, ठीक है. सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि आप मान लो एक पॉइंट हो गया पी, पास हो गया एक क्यू एक आर, सभी क्या है आर 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 है, ये क्या है डिस्टेंस ही है, तो हम ये भी लिख सकते हैं. देखो पास पॉइंट तो मेरे पास गिवन होंगे यहाँ पे टू थ्री फाइव सिक्स, यानी कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होंगी होंगी, तो यहाँ पे वैल्यूज मेरे पास गिवन होंगी, मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, लेकिन ये अंडरूट नहीं लूंगी क्योंकि मैं स्केयरिंग लिख लूंगी. तो मैं ये लिख सकती हूँ सी पी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू सी आर. सेकेंड कंडीशन है कि मैंने रेडियस, क्योंकि रेडियस से इक्वली हैं, ये ले लिया. तो अगर मैं ये लूंगी मेरा एच और के में आएगी, एच और के में, एच और के में, एच और के में, तो पहले मैं पहले टू को क्रिएट कर लूंगी, फिर टू नेक्स्ट टू को, यहां से मेरी एच और के में एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर यहां पे मेरी एच और के में सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. तो दोनों को सॉल्व करके मैं एच और के निकाल लूंगी. अगर एच के आ गया, सेंटर आ गया, पास पॉइंट है, रेडियस आ गया, पुट किया एंड गेट द आंसर. देख सकते हो, अगर आप देखना चाहते हो एग्जाम्पल करवाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अभी एक्चुअल में ये कैसे सॉल्व होता है. ठीक है दादी, अब देखते हैं एग्जाम्पल से. चलो ये तो बनाया मैंने. अब आपके पास एक एग्जाम्पल आई है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद गिवन, नारोजे अब ये एग्जाम्पल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद गिवन सेंटर एंड रेडियस. ठीक है, आगे वाला जो मैंने भी कंसेप्ट समझाया है, अगर आपको कम समझ में आया है, अभी अगर आप एग्जाम्पल्स करोगे, प्रॉपर वीडियो देखोगे, तो आपको आगे वाला कंसेप्ट भी प्रॉपर डिटेल में समझ में आ जाएगा. सो फुल एग्जाम्पल्स देखो, समझ में आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ईजी है, तो करे सोल्यूशन. सॉल्यूशन करने से पहले रजे साथ साथ में सिर्फ एक सेकेंड लगता है, आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, तो उसे क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए. बेल आइकन क्लिक करोगे तो जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें. नाउ ये है सेंटर और रेडियस. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस आई हैं आपके पास, ठीक है, तो बड़ा इजी हो जाता है. सिंपल फॉर्मूला है, एक्स माइनस टू स्क्वायर वाई माइनस थ्री आना था, बट माइनस है ऑलरेडी, तो प्लस बन गया, ये हो गया. नाउ एक्स स्क्वायर फॉर्मूला खोल लेते हैं, प्लस फोर एक्स प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू 25. हो गया ना एक सेकेंड में क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, नाइन और सिक्स नाइन और फोर थर्टीन, थर्टीन प्लस थर्टीन माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो. अब इसको माइनस कर दो, माइनस 12 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर. हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था. अब जो भी एग्जाम में ये टिक है आप टिक करके आ सकते हो. ठीक है, कुछ कह देते हैं कि इन क्वेश्चन को आप ऑप्शंस में कर लो. अगर ऑप्शन में जनरल क्वेश्चन गिवन है, जनरल क्वेश्चन गिवन है, तो क्या आप उन चारों क्वेश्चन में पहले सेंटर रेडियस सेंटर निकालते जाओगे या रेडियस निकालते जाओगे? उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा ईजी है, वैल्यू फिल करो और आंसर. ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से हो जाते हैं इजिली, वो हम बता भी देते हैं, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करो. अब सेकंड कंडीशन क्या बोला था मैंने, भी आपके पास सेंटर गिवन है कोई भी, और साथ में आपके पास पास पॉइंट आ गया. अब पास पॉइंट आया है तो
कौन सा लें, कोई भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया पास पॉइंट, वन माइनस वन वगैरह, और ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, आर चाहिए, आर आर निकाल लो, आर लिख के ना सीधा अंडरू डाल के टू वन माइनस टू, माइनस और माइनस प्लस हो गया, टू प्लस वन थ्री हो गया, थ्री स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट करो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस वन माइनस फोर होता है, बट ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो गया फोर, तो माइनस वन प्लस फोर थ्री हो गया, दैट इज अ थ्री स्क्वायर, नाइन प्लस नाइन दैट इज अंडर रूट 18। इसे अंडर रूट में ही रखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर होता है, अंडर रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिल कर देते हैं बस, x प्लस टू स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज 18। इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर। हो गया, क्या मुश्किल था? बिल्कुल नहीं। अब जो मेन क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन जो हायर लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना एग्जाम में, वो क्या आता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद गिवन पास पॉइंट्स, पास पॉइंट्स है आपके पास 2.1 0.5 -1.2, ये आपको थ्री पास पॉइंट दिए हैं। एक मिनट, एक बात ध्यान में आ गई, दैट इज कॉल्ड 0.0 ओरिजन, ठीक है। किसी कभी कभी ना एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओरिजन एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो वहां पे काफी स्टूडेंट को ये ही नहीं पता चलता कि सेंटर ओरिजन लिख दिया, रेडियस 3 भी क्या होगा, उसमें तो बड़ा इजी है, अगर सेंटर ओरिजन लिख दिया दैट मीन्स एच के क्या हो गए 0.0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3 स्क्वायर विच इज 9 आर स्क्वायर आएगा, तो ये उसका आंसर आ जाएगा, ये तो आप ऐसे टिक कर दोगे, ठीक है। ओरिजन बताना था इसलिए मैंने बीच में ये क्वेश्चन बताया। कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने प्लस वन प्लस टू में मैथ्स वगैरह नहीं किया होता, तो उन्हें ओरिजन का भी नहीं मालूम होता। अब ये हो गया P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, ठीक है। अब इसे हम टू मेथड से कर सकते हैं, कौन कौन से वो दो मेथड्स हैं मैंने बताया था, एक तो वही हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस जनरल इक्वेशन में हम पहले P पास करेंगे, फिर Q, फिर R, तो g, f और c में इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। और एक क्या मेथड है, हम जो C है सेंटर, उसे हम कुछ भी लेट कर लेंगे, मान लो मैंने A भी लेट कर लिया, चाहे एच के रख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एच के रख लेते हैं ना। तो अब सी पी, सी क्यू, सी आर, जो मेथड इजी लगेगा आप वो यूज करो, ठीक है। अब सी पी, इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, सच अंडर रूट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज स्क्वायर है मेरे पास, सी पी लगाऊंगी तो 2 - h² प्लस 1 - k² इज इक्वल टू 0 - h² प्लस 5 - k² इज इक्वल टू -1 - h² प्लस 2 - k² तीनों इक्वल लिख लिया मैंने। अब मैंने फर्स्ट टू को इक्वल लेना है, फिर सेकंड टू को इक्वल लेना है, इनको इक्वल लेने के लिए स्केयरिंग खोल लूं, फोर जल्दी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, देख सकते हो आप, 4 + h² - 4h प्लस 1 + k² - 2k इक्वल टू 0 है, ये तो खत्म ही हो गया, ओनली एच स्क्वेयर आ गया इसमें, तो इसमें फिर एंट्री लगेगी, प्लस 25 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 10, सॉरी यहाँ पे किया ना था के स्क्वेयर 10k। पहले मैंने फर्स्ट टू के इक्वल रख लिया, अब फर्स्ट टू के इक्वल का थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ, एच और एच कैंसिल, के और के कैंसिल, अब 4 और 1 और 4 कितना हो गया
5 minus 4h minus 2k is equal to minus 10k plus 25. ठीक है, अब h और k सब एक साइड कर लेते हैं. 5 उस तरफ ले जाऊंगी मैं, अगर k को इस तरफ लेके आऊंगी प्लस का होगा k, तो 8k minus 4h is equal to 25 minus 5 which is a 20. सिर्फ वेरिएबल इधर की है, कांस्टेंट उस तरफ. ये क्या हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, कर देते हैं, क्योंकि जितनी इजी इक्वेशन बनेगी उतनी हमारे लिए इजी रहेगा. 4 से डिवाइड कर देंगे, 2k minus h is equal to 5, that is the equation number 1. ठीक है, अब मैं सेकेंड और थर्ड को इक्वल रख लूं. सेकेंड क्या था, h स्क्वायर, ये रही सेकेंड, प्लस वही 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, ऑल प्लस हो जाएंगे, 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k. ठीक है, अब कैंसिल, वही h के कैंसिल, अब कैंसिल हो गए. 10k 4k इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 6k हो गया, ये इस तरफ आके प्लस का हो गया. 2h इस तरफ लेके आएंगे माइनस 2h हो गया इज इक्वल टू 4 और 1 5, ये उस तरफ लेके जाएंगे माइनस 20 हो गया. अब ऑल माइनस में है तो माइनस 2 से डिवाइड कर दे, 3k प्लस h इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. बस दोनों को सेम रख लेते हैं. देखो ये h है, ये माइनस h है, दोनों इक्वली आ गए. लिख दूं 2k माइनस h इज इक्वल टू 5, h कैंसिल, 5k इज इक्वल टू 15, k कितना आ गया 3, k 3 आ गया. अब जब k 3 आ गया, इन दोनों में से किसी में भी k की वैल्यू 3 फिल कर दो. अगर मैं 3 फिल कर दूंगी, 5 प्लस 3 k, सॉरी ये तो h था, सॉरी k 3 है ना, 3 फिल कर दूंगी, 3 टू द 6, तो h कितना आ गया 1. 6, 5 इस तरफ चला गया, h उस तरफ चला गया, तो 6 माइनस 5 1, एच के आ गया, हो गया सेंटर आ गया रजे. अब आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको तो रेज कर देती हूं. अब सेंटर आपका क्या आ गया, 3 एच पे ले आएगा, सॉरी 1, 3 सेंटर आ गया. अब रेडियस निकाल लो, रेडियस कोई भी एक पॉइंट ले लो, 2 माइनस 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर इज अ 4, अंडर रूट 5. अब x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज अ 5, ये आ गया आपका आंसर. चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप इस मेथड से करो, इस मेथड से भी करके दिखा दूंगी, एक्स स्क्वायर, बस इसको सॉल्व आप खुद कर लेना, जनरल क्वेश्चन में अगर आंसर होगा. ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, अब हम इस मेथड से पास पॉइंट करेंगे, पास पॉइंट 2 और 1, एक्स 2 वाई 1, 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्पेस पे 2, 4g प्लस 2f, f की स्पेस पे है 1, तो 2y, सॉरी y की स्पेस पे 1, 2f आएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, दैट मीन्स 4g प्लस 2f प्लस c, 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बन गई. अब क्या पॉइंट पास करेंगे, यहाँ पे 0 है, इससे बहुत हेल्प हो जाती है. ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 25 प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, 10f प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0. अब r पॉइंट पास करेंगे, माइनस 1 1, फिर 2 स्क्वायर विच इज अ 4, माइनस 1 करेंगे माइनस 2g, माइनस 1 करेंगे, ठीक है, प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0. x और y के स्पेस पे फिल किया है, अगर x स्क्वायर था तो एलिमेंट का स्क्वायर करते जा रहे हैं, सिंपल x था, 2 को आगे 2 लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दी. ठीक है, अब माइनस 2g प्लस 4f प्लस सी,
4 plus 1 plus 5 is equal to 0. देख सकते हो अब ऑलवेज ये तीन इक्वेशंस बनेंगी, तो आप इन तीन को कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि हमेशा आपके पास इन तीनों इक्वेशंस में सी अकेला आएगा, सी अकेला आएगा, क्योंकि सी के साथ कुछ मल्टीपल में नहीं है जो इसको चेंज करेगा. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 माइनस 1 कर देते हैं, फिर 3 माइनस 2 कर देते हैं. अगर 2 माइनस 1 करेंगे वही सी रिमूव हो जाएगी, एफ और जी में बचेगी. 3 और 2 माइनस करेंगे फिर सी रिमूव हो जाएगी, फिर एफ और जी में क्वेश्चन बचेगी. एफ और जी में यहाँ पे, एफ और जी में यहाँ पे, दोनों को सॉल्व करोगे जी और एफ की वैल्यू आ जाएगी. फिर अगर जी एफ की वैल्यू आ गई, किसी एक क्वेश्चन में फिल कर दी, सी आ जाएगा, इसमें फिल करोगे, फिर जाके आपका क्या आएगा आंसर. कर सकते हो आप ये क्वेश्चन, ठीक है? आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना कि करूँ थोड़ा सा. चलो 2 माइनस 1 10 एफ प्लस सी, ये तो कैंसिल हो जाएंगे अगर माइनस कर रही हूँ ना मैं 1.